स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैं नितिन लेके आया हूँ आपके लिए एक यूनिक कंटेंट। मेरे दोस्तों कई दिनों से मैं देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर महसूस होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं मन में दो विचार आते हैं। पहली चीज़ कहती है कि मैं अपनी गाड़ी को अपने पास में रिटेन कर लूँ, और दूसरी चीज़ कहती है कि मैं अपनी गाड़ी को स्क्रैप ऑफ कर दूँ। मैं जानता हूँ यही सवाल बहुत से लोगों के मन में इस टाइम पर चल रहा है जो कि दिल्ली NCR के एरिया में रह रहे हैं। तो इसी टॉपिक को मुझे लगा कि मेरे सामने जब मैं डेली लोगों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, तो बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ, तब मुझे यही चीज़ पता लगती है कि भाई उनके माइंड में भी यही क्वेश्चन चल रहा है। मैंने कहा एक जनरल टॉपिक है, चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मेरे माइंड में जो आती है वो ये आती है कि भाई मैं अपनी पुरानी 15 से 17 साल पुरानी गाड़ी को किस तरीके से रिटेन कर लूँ। आपके मन में भी ये विचार आते हैं, बिकॉज मैं डेली देखता हूँ इस तरीके की कार्स को स्क्रैप ऑफ किया जा रहा है, उनको रोड पर सबसाइड कर देते हैं, ट्रैफिक वाले उसको पकड़ लेते हैं, फिर हरेसमेंट चालू होता है कि गाड़ी को हम लोग ब्लॉक कर देंगे, गाड़ी को हम लोग कटवा देंगे, स्क्रैप कर देंगे, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि चलो यार इसी के ऊपर बातचीत करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम अपनी पुरानी गाड़ी को किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं। आपको भी बहुत उत्सुकता हो रही होगी कि भाई मैं अपनी पुरानी गाड़ी को कैसे रिटेन कर पाऊंगा, तो मैं आपके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो बिना देरी करें शुरू करते हैं। आपको क्या करना होगा, बेसिकली मेरे पास में एक नहीं दो नहीं तीन तरीके हैं जिसके तरीके से आप अपनी गाड़ी को रिटेन कर सकते हो। तो पहला तरीका है क्या, हम अपनी गाड़ी को रिटेन करने के लिए, रिटेन करने का हमें कारण समझना होगा कि हम पहले अपनी गाड़ी को रिटेन क्यों कर रहे हैं। तो मे बी उसके अंदर हो सकता है कि कुछ इमोशनल वैल्यू हो, कुछ ऐसी यादें जुड़ी हों, कुछ मेमोरीज हो जिसकी वजह से हम अपनी गाड़ी को नहीं सेल करना चाहते। वो कोई ऐसा दौर हो जिस दौर हमने वो गाड़ी परचेज करी थी और वो दौर में हमने उस गाड़ी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो दोस्तों ऐसे टाइम में हम अपनी गाड़ी को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिकॉज दो तीन तरह की चीजें हैं जो कि हम लोग फेस करते हैं। द मोमेंट हम लोग गाड़ी रोड पर लेके निकलते हैं सबसे पहली चीज हमारे माइंड में आती है यार पुलिस चालान काट देगी। तो चालान क्यों काट देगी, चालान वो इसलिए काट देगी बिकॉज हमारी गाड़ी के पास में रोड पर चलने के लिए उसका प्रॉपर फिटनेस नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे को अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चेंज कराना होगा या इंक्रीज कराना होगा सो दैट कि उसे रोड पर अप्लाई कर पाए। तो फर्ज करते हैं अगर मेरे पास में एक 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है जो कि मिंट कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, तो उस गाड़ी को मैं कैसे होल्ड कर पाऊंगा। मेरे को अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टाइमिंग पीरियड इंक्रीज करना होगा। टाइम इंक्रीज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को पे करना होगा ग्रीन टैक्सेस। दोस्तों दिल्ली NCR में अगर आप रहते हो तो आपने कहीं ना कहीं ग्रीन टैक्स जरूर सुना होगा। ये ग्रीन टैक्स जो होता है इसके लिए सरकार हमारे से बहुत सारी तरीके से इस टैक्सेस को वो लेती है, जो कि आपने बहुत सारी शॉपिंग पे आपने देखा होगा कि आपके बिल के ऊपर एक ग्रीन टैक्स लग के आता है। तो इसका मेन फंडा यही है कि हम अपनी अपने सिटी को पॉल्यूट ना करें, उसके लिए सरकार ने हमसे एक टैक्स लेना शुरू कर दिया है जिस टैक्स के थ्रू वो उसको उस जगह पे यूज करती है जिसके थ्रू हम लोग अपने सिटी का मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं गाड़ी को हम होल्ड कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मेरी सलाह यह है कि देखिए गाड़ी आप वही होल्ड कीजिए, सेंटिमेंटल वैल्यू हर किसी की होती है, लेकिन गाड़ी आप वही अपने साथ होल्ड कीजिए जिस गाड़ी की एक्चुअल में आपने स्थिति भी बहुत अच्छे से रखी है। जैसा मैं देख रहा हूँ मेरे पास में एक ऐसी गाड़ी है जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, चलने में बढ़िया है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा अगर मैं इस गाड़ी को स्क्रैप ऑफ कर देता हूँ। तो ग्रीन टैक्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी गाड़ी के ग्रीन टैक्स के लिए RTO के पास में जाके अप्लाई करना होगा कि मैं इस गाड़ी को ग्रीन टैक्स के लिए अप्लाई करता हूँ, जिसके थ्रू क्या होगा एक नॉमिनल सा फीस देके आपकी RTO के अंदर इस गाड़ी का फिटनेस को इंस्पेक्ट किया जाएगा। द मोमेंट इसका फिटनेस इंस्पेक्ट किया जाएगा जिसके अंदर की हमारे को 3 सर्टिफिकेट वहां जमा करने पड़ेंगे। पहला होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो कि एक्सपायर हो गया है अगर 15 साल से पुराना है, दूसरा हमारे को देना होगा उसका एक वैलिड इंश्योरेंस, तीसरा हमें देना होगा गाड़ी का एक वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। तो ये 3 चीज के देना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे को अपनी गाड़ी का जो मेंटेनेंस का बिल होता है कि मैंने अपनी गाड़ी को टाइमली मेंटेन किया है, तो रिसेंट की जो सर्विसिंग है उसका मेरे को एक शेड्यूल उनको शेयर करना होगा जो कि मुझे अपने नियर बाय वर्कशॉप से मिलेगा जहां मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई थी। तो ये 4 चीजें मेरे को जमा करनी पड़ेंगी। इसके अलावा मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी
जो है वो किसी तरीके का एक्सीडेंट ना हो, उसके अंदर कोई तरीके का कोई डैमेज ना हो, दिखने में वो गाड़ी की कंडीशन दूर से पता लगनी चाहिए कि हाँ जी गाड़ी कंडीशन अच्छी है। मोमेंट जब हम लोगों को ये तीन चीज़ें हम जमा कराते हैं आरटीओ ऑफिस के अंदर, तो इसके बाद में क्या होता है, हमारे को एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको ग्रीन ट्रिब्यून फॉर्म कहते हैं। अपना फॉर्म हम लोग को सबमिट करना पड़ता है, एक उसका नॉमिनल फीस है जो कि इंस्पेक्शन फीस होता है। ये दो चीज़ देने के बाद में हमारी गाड़ी को एक इंस्पेक्शन डेट मिल जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आरटीओ होता है वो हमको उस अपॉइंटमेंट डेट पर गाड़ी को लेके आना होता है, गाड़ी का इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि गाड़ी को सबसे पहले तो उसका बॉडी स्ट्रक्चरल देखा जाता है कि स्ट्रक्चरल तरीके से गाड़ी में कोई डैमेज ना हो, कोई मेजर लॉस ना दिख रहा हो, कोई गाड़ी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से कि गाड़ी रोड पर बिगड़ जाए या गाड़ी को ड्राइव करना सेफ ना हो। दूसरी चीज़ देखी जाती है कि गाड़ी का जो फंक्शनैलिटी है, गाड़ी चलने में ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर जो भी उसके मेजर फंक्शन है वो सब फंक्शन करने चाहिए। ऐसा ना हो आपने गाड़ी तो ले आए, उसका पता चल रहा है गियर बॉक्स काम नहीं कर रहा है, या उसका कोई गियर शिफ्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, या गाड़ी में कोई मेजर एक्सीडेंट हो रखा है, या गाड़ी के अंदर कोई मेन उसका विंडस्क्रीन वगैरह या साइड ग्लासेस वगैरह टूटे हुए हैं, मिसिंग है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसका जो इलेक्ट्रिकल है वो ऑल वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये सब चीज़ चेक करने के बाद में फिर जो गाड़ी का इंस्पेक्टर होगा वो गाड़ी को इंस्पेक्ट करने के बाद में गाड़ी को एक रेटिंग दे देगा। वो रेटिंग के अनुसार फिर उस गाड़ी को रोड पर चला के देखा जाएगा, उसके थ्रू भी उसमें एक रेटिंग दी जाती है कि गाड़ी की फंक्शनैलिटी प्रॉपर है। इसके थ्रू सारे का सारे चार्ट पर एक नंबर जो होता है, मतलब जैसे एक तरीके का एग्जामिनेशन है, इंस्पेक्शन है, जिसमें कि पूरी गाड़ी को एक पर्टिकुलर नंबर स्कोर करना पड़ता है। मोमेंट ये गाड़ी पर्टिकुलर नंबर स्कोर करती है तो जो आरटीओ है वो हमारे को एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है, जिसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि नाउ वियर व्हीकल इज फिट फॉर दिस एंड दिस सच एंड सच पीरियड। इसके बाद में हमारे को जो तीनों जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, गाड़ी की जो अपना पोल्यूशन कार्ड है, ये तीनों चीज़ हमारे को देनी पड़ती है अलॉन्ग विद दैट फिटनेस। ये चार चीज़ हमारे को देने के बाद में गाड़ी का फिटनेस कर दिया जाता है। फिटनेस कैसे करते हैं, उसके फिटनेस के साथ में हमारे को जो वो ग्रीन टैक्स है वो हमारे को पे करना पड़ता है, जो कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमारी गाड़ी को रोड पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर देता है। तो ये पहला तरीका है जिससे कि थ्रू आप अपनी गाड़ी को अपने पास रिटेन कर पाते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, जिसके अंदर क्या है कि भाई आप अपनी गाड़ी को रिटेन करना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी को अपनी सिटी से दूसरी किसी सिटी में, जहाँ पर आप 15 से 16 साल पुरानी गाड़ी को चला सकते हैं, वहाँ पर ले जाके रजिस्टर करा लीजिए। जैसे कि अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो आप यूपी से थोड़ा आगे चले जाइए, जैसे कि अपना एटा मैनपुरी से बाद के जो एरियाज़ हैं, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इन सब एरियाज़ के अंदर ये गाड़ी आप चला सकते हो। उस एरिया में आप ले जाओ, ले जाके आप गाड़ी को रजिस्टर करा लो, जिसके लिए आपको अपनी करंट स्टेट के अंदर, अपनी करंट स्टेट में आपको जिस अथॉरिटी से गाड़ी को रजिस्टर कराया था वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की जो RC है वो जमा करानी पड़ेगी, और आपको अपनी गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट है, जो मैंने अपनी आपको पहले बताए थे कि गाड़ी का एक वैलिड RC, गाड़ी का इंश्योरेंस, गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज़ लगेगा। और इन तीनों चीज़ को फिर वहाँ का जो RTO है वो उस गाड़ी को ब्लॉक कर देगा, यानी कि ब्लैकलिस्ट कर देगा कि अब इसकी रजिस्ट्रेशन इस एरिया में ख़त्म कर दी गई है। तो आपको फिर एक टाइम पीरियड मिलता है कि आपके पास में 6 महीने का अवधि होता है, उस अवधि के अंदर आप इस गाड़ी को किसी भी दूसरी अदर स्टेट के अंदर ले जाके रजिस्टर करा सकते हो, जहाँ पर कि आपका खुद का एक ड्राइविंग, आपका खुद का एक परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस के ही ऊपर फिर से अगेन उस स्टेट का टैक्स लगता है, और उस टैक्स के साथ में जो आपको इस RTO ने आपको NOC दिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को लगा के उस स्टेट में आप रजिस्टर करा सकते हैं। मोमेंट आपकी गाड़ी दूसरी स्टेट में रजिस्टर हो जाती है, फिर आप उस गाड़ी को वापस अपनी स्टेट में लेके आ सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे यार नितिन ने तो यहाँ फंसा दिया, क्योंकि अगर मेरी गाड़ी चलो रजिस्टर भी हो गई, उसके बाद में भी चलान तो दिल्ली NCR में कट ही रहे हैं, उसके बाद में भी प्रॉब्लम तो ये आती है कि भाई गाड़ी जो है वो रजिस्टर जरूर हो गई, लेकिन गाड़ी को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ को एडमिनिस्टर करने के लिए, कि सो दैट दूसरी स्टेट से आई हुई गाड़ी हमारी स्टेट के अंदर, यानी दिल्ली NCR के अंदर ज़्यादा दिन तक अप्लाई ना कर पाए, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, उसके लिए सरकार ने यूज़ किया है फास्टैग को। आई होप आप सब लोगों ने फास्टैग का नाम ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, फास्टैग में क्या होता है, हमारी गाड़ी के विंडस्क्रीन पर एक तरीके का टैग लगा दिया जाता है, जो कि एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक चिप है, बारकोड है, हमारी गाड़ी के नंबर की रजिस्ट्रेशन की पहचान है। तो ये बारकोड जब आपकी गाड़ी के स्क्रीन पर लग जाता है, उससे ये होता है कि
जो ये बारकोड है इसको हम अपने बैंक के साथ पे लिंक कर लेते हैं, और लिंक करने के बाद में जब अपनी गाड़ी को हम किसी भी स्टेट के दूसरे टोल को पार करते हैं तो टोल पर हमारे को जो टोल का खर्चा होता है वो इसी बारकोड के थ्रू ही देना पड़ता है। तो एक तो क्या है, हमारे को लंबी लाइन्स में लगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फायदा ये है कि हम जब उस रोड पर से जब हम पास ऑन करते हैं तो पैसा ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में से डेबिट हो जाता है। थर्ड क्या है, एक प्रॉक्सी क्रिएट हो जाती है। वो प्रॉक्सी क्या करती है, वो प्रॉक्सी ये बताती है कि मेरी गाड़ी जो कि मान लो उत्तराखंड से नई दिल्ली में एंटर करी है इस तारीख को, तो उसके अंदर एक टैक्स तभी की तभी जनरेट हो जाता है। तो जितने दिन तक मान लीजिए, फर्ज कीजिए 7 दिन तक मेरी गाड़ी दिल्ली में रही और 7 दिन के बाद में वो दिल्ली एग्जिट करती है, तो मेरे अकाउंट से उस 7 दिन का एक हैवी टैक्स कट जाता है। तो इस तरीके से आपकी गाड़ी पर वो टैक्सेस आपको बियर करने पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको ये पता लग गया होगा कि इस तरीके से सरकार इस चीज़ को एडमिनिस्टर करने वाली है। ऑल्दो उन लोगों ने ये चीज़ पब्लिक नहीं करी है, लेकिन उस फास्टैग का केवल यही फंडा है, वो सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे दिल्ली NCR से कितनी गाड़ी स्टेट से बाहर जाती है और कितनी गाड़ी स्टेट से अंदर आती है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में दिल्ली के अंदर इन्वेंट्री कितनी है। हम लोग एक टाइम पर 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख गाड़ी ही एंटर करके यहाँ पर होल्ड करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे सरकार ने जो अभी स्क्रैपेज पॉलिसी निकाली है तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपके फायदे में रहेंगी, क्योंकि नुकसान में तो सब लोगों को लग रहा है कि यार ये क्या स्क्रैपेज पॉलिसी बना दी है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर पुरानी गाड़ी से आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप अपनी नई गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं या आपने 4 से 5 साल पुरानी गाड़ी भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको स्क्रैपेज पॉलिसी से कैसे बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखना ना भूलिएगा, और लेट वीडियोस पोस्ट करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कुछ समय से थोड़ा सा शेड्यूल ही ऐसा बन गया है, ऑल्दो मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि भैया मैं आपको फिर से दूसरी अच्छी वीडियो शेयर करूँगा। तो अभी के लिए ओवर एंड आउट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे।